जी कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर हाउ यू रीच पीपल ऑनलाइन, ठीक है। मतलब बेसिकली कीवर्ड्स क्या करते हैं कि इंटरनेट के थ्रू किसी को भी उसके क्लाइंट्स तक पहुंचा देते हैं। यानी क्लाइंट्स को कुछ चाहिए, वो कीवर्ड लिखता है, उसके आगे क्या होता है उसकी कंपनी आ जाती है। ऐसे ही है ना, जो चीज़ वो ढूंढ रहा है उसकी सारी चीज़ें लिस्ट हो जाएंगी कि भाई ये कंपनी भी ये सर्विसेज दे रही है, ये कंपनी भी है, उनकी वेबसाइट्स आ जाती हैं। हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट। मतलब अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई ये वाले कीवर्ड्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये कोई इतना खास क्राइटेरिया नहीं होता। हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स हमेशा के लिए भी नहीं होते कि इसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रैफिक है, ठीक है। अभी थ्योरेटिकल बात हो रही है। स्टडी शोज दैट ओनली 30% ऑफ सर्चेज आर पॉपुलर सर्चेज। यानी रिसर्च की गई है तो पता लगा है कि सिर्फ 30% सर्चेज ऐसी होती हैं जो पॉपुलर सर्चेज होती हैं। इसलिए कि पॉपुलर सर्च का मतलब ये तो नहीं कि सबको तो नहीं कहीं से आ जाएगा कि भाई ये वाली सर्च है तो यही करो। हर बंदा अपने माइंड के मुताबिक कुछ सर्च करेगा। हर किसी ने अपने मोबाइल पर बैठा हुआ है, अपने डेस्कटॉप पर बैठा हुआ है, जो उसको समझ आ रही है उसने टाइप कर दिया। हर किसी का एजुकेशन लेवल भी एक जैसा नहीं है कि वो कोई सही वर्ड्स लिख कर ही सर्च कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये गूगल का अपना सिस्टम है जो उन अल्फाज को कीवर्ड की तरफ लेकर जाता है और उन कीवर्ड्स की तरफ लेकर जाता है जो पॉपुलर होते हैं। मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स लीड्स टू मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक। ये बात मैंने शुरू में की है। मैंने कहा भाई कीवर्ड जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है वो क्या करता है उसको उतनी ट्रैफिक की तरफ ले जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये लाहौर में बैठकर जो ऑनलाइन सीखना चाह रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा और वो उसका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा होगा, उसका सीटीआर भी अच्छा होगा। सीटीआर स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट क्या है कि भाई आपने एक टर्म लिखी है, कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं तो वो आगे से उस पर क्लिक करने लगा होगा। सो इट इज़ कॉल्ड क्लिक थ्रू रेट, उसका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये भी हमने मैंने बताया भी आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। शॉर्ट कीवर्ड्स जो होते हैं उसकी निस्बत लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ज़्यादा मुनासिब होते हैं। जी आगे क्या लिखा हुआ है जी, फाइंडिंग कीवर्ड्स। अब आगे बात के कीवर्ड्स को हमने कैसे ढूंढने, अब उसके लिए क्या तरीका है जी, गूगल एनालिटिक्स और वेबसाइट लॉग्स। वेबसाइट लॉग्स क्या होता है कि आप वेबसाइट्स के अपने लॉग्स, यानी जो भी वेबसाइट पर विजिट्स आ रहे होते हैं उससे भी हमें पता लग जाता है। और गूगल का एक टूल है हमारे पास गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, उसके अंदर भी हमें पता लग रहा होता है कीवर्ड्स के मुतल्लिक फाइंड करने के लिए। और जो सर्च कंसोल है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी सर्च क्यूरीज दिखा रहा था आपको, मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया था सर्च कंसोल। सर्च कंसोल अगर आपका 30 डेज ओल्ड हो जाएगा तो उसके ऊपर जो क्यूरीज आ रही होंगी वो नज़र आ रही होंगी कि लोग क्या लिख रहे हैं, 30 दिनों में लोगों ने क्या ढूंढा, इस लिखने के बाद कितने इंप्रेशंस आए और उन इंप्रेशंस पर कितने क्लिक्स हुए। सो इसका मतलब क्या हुआ, सर्च कंसोल भी हमारी हेल्प कर रहा है, यानी गूगल एनालिटिक्स में सर्च कंसोल भी हमारी हेल्प कर रहा है। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ रहा है गूगल वेब मास्टरिंग टूल्स। अच्छा, ये स्लाइड जो है जरा पुरानी बनी हुई है। सो ये टर्म है ना गूगल वेब मास्टरिंग टूल, ठीक है, ये रीडायरेक्ट करती है गूगल सर्च कंसोल को। गूगल सर्च कंसोल का जो पुराना नाम था वो था गूगल वेब मास्टरिंग टूल। यानी वेब मास्टरिंग टूल में जाते थे तो एनालिसिस होते थे, फिर उन्होंने उसके नाम को तब्दील करके गूगल सर्च कंसोल कर दिया, ठीक है। सो अभी वो क्या कहलाता है, गूगल सर्च कंसोल। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं कहूंगा गूगल एडवर्ड्स, और गूगल एडवर्ड का जो नया नाम है वो है गूगल एड्स। अब गूगल एडवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर आप किसी कॉलेज की आउटलाइन देखें और उस पर उन्होंने लिखा हो ना गूगल एडवर्ड, तो समझ लें कि टेक्निकली यहाँ पर कोई बंदा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बैठा होगा, इसलिए कि गूगल एडवर्ड चला गया हुआ है। कोई बंदा लिखे ना गूगल माई बिजनेस, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको नहीं पता कि गूगल माई बिजनेस तो कब का ख़त्म हो गया, अभी 6-8 महीने हो चुके हैं, अब तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है नया नाम, यानी कि जो उनके अपडेटेड नेम्स चल रहे हैं। वो एक टाइम था जब गूगल माई बिजनेस का ऐप भी था, वो भी 3 महीने पहले उन्होंने रिमूव कर दिया। इससे पहले अभी पिछले 1 महीने तक उनका वेब इंटरफेस भी था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब आप जो काम भी करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डायरेक्ट करते हैं। नहीं, वो लेता है गूगल मैप, तो है जहाँ से मैप आपको देखते हो, मैप पर चले जाते हो, लोकेशन देख लेते हो, बिजनेस ऐड कर सकते हो, पिन कर सकते हो, यही काम है ना जो मैप पे जाके करते हो।
किसी को लोकेशन शेयर करनी हो वहां से जाके कर लेते हो। जबकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पहले पूरा एक इंटरफेस था और एक मोबाइल ऐप के तौर पर भी था। अगर आप मेरे लेसन्स देखोगे तो 8 महीने पहले वाले जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो देखिएगा, जो 8 महीने पहले अपलोड हुए हैं, उसके अंदर जो मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लेक्चर्स दिए होंगे वहां पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं लिखा होगा। वहां का इंटरफेस के ऊपर भी गूगल माई बिजनेस लिखा होगा और जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो उस पर भी गूगल माई बिजनेस ही लिखा होगा। अब जो है, अब उसके अंदर मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात करूंगा, गूगल माई बिजनेस की बात नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूज कीवर्ड टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, इसकी बात कर रहे हैं। ये कहां पे मिलता है हमें गूगल कीवर्ड प्लानर? ठीक है। यूज सर्च सजेशंस फाउंड इन मेजर सर्च इंजन, ये भी हमने देखा। सर्च सजेशंस नजर आ रही थी हमें, जैसे मैंने गूगल पे जाकर ऑनलाइन लिखा तो उसने सर्च सजेशंस दी, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन लिखने से मेरी रेलिवेंट सर्च सजेशन तो नहीं आएगी। मतलब मैं जैसे लिखूंगा ना कि ऑनलाइन गेम्स, तो ज्यादा बेहतर सर्च सजेशन आ जाएगी। अगर मैं लिखूं ऑनलाइन एमडी कैट तो फिर मुझे ज्यादा सर्च कर, यानी कि मुझे दो वर्ड्स तो ऐसे लिखने हैं जो मुझे बेहतर आप दे सके। आप क्या कर रहे हो बेटा? क्या लैपटॉप खुला हुआ है ना? क्या सर्च कंसोल? अच्छा, ठीक है। उसके बाद यूज सर्च सजेशन भी हो गया जी। ब्राउज योर कंपटीटर साइट, सबसे अहम बात कहता है जनाब, आपने अगर कीवर्ड्स बनाने हैं तो अलग-अलग कमरे में बैठ के नहीं काम करना सारा, आपने लोगों को भी देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं। आपका जो कंपटीटर है जो वही चीज बेचता है जो प्रोडक्ट आपकी है और उसकी सर्विस भी वही है जो आपकी है, ठीक है, तो आपने उनके कीवर्ड्स का भी एनालिसिस करना है कि वो कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स को एनालिसिस करना कोई बंदा के मुझे पता कैसे लगेगा कि भाई इसके कीवर्ड्स कौन से हैं? टाइटल से पता लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन से पता लग जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन से पता लग जाएगा, उसके बाद उसकी जो बॉडी है, मैंने कहा था ना हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड होते हैं, पता लग जाएगा। फिर मैंने बताया था कि पैराग्राफ के अंदर बोल्ड किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, वो भी कीवर्ड है आपका। सो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से अल्फाज को वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरा काम क्या है, हमने क्या करना है, अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करना है कि भाई हमारे कंपटीटर्स क्या करने लगे हुए हैं। ये बहुत अहम काम है। मतलब मैं एक टाइम था कि जब कीवर्ड रिसर्च करता था ना, कोई साइंस यूज ही नहीं था करता, मैं सिर्फ देखता था कि कंपटीटर कौन है और पहले 3 नंबरों पे कौन आ रहे हैं, उन्हीं की वेबसाइट के सारे एनालिसिस करके कीवर्ड्स बना देता था, क्योंकि बेसिकली मुकाबला तो उन्हीं के साथ है। वो जो 3 लोग रैंक करने लगे हुए हैं, 3-4 लोग रैंक कर रहे हैं, आपका मुकाबला तो उन्हीं से है। सो उनका मुकाबला करने के लिए क्या करना है, उन्हीं के कीवर्ड्स पिक करने हैं आपने, क्योंकि वही तो रैंक कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के कीवर्ड्स को पिक करके पहले रैंक कर देते थे कि भाई पहले तो हम उनके साथ आए ना कंपटीशन पे, ठीक है। और मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी के साथ ही काम कर लेता था। उसके बाद क्या लिखा हुआ जी? मॉनिटर इंडस्ट्री वेबसाइट्स इन योर निश मार्केट, ठीक है। निश मार्केट क्या होती है? मतलब उस इंटरेस्ट से रेलिवेंट जो मार्केट है, यानी उस तरह की जो मार्केट है। निश की टर्म्स यूज होती है कि एक ही तरह का जो बिजनेस की टाइप होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? लुक एट साइट्स लाइक याहू आंसर्स, इसका क्या मतलब है? याहू आंसर्स हमारे पास एक फोरम है, याहू आंसर्स हमारे पास एक फोरम साइट है, और किसी भी फोरम साइट पे जाकर भी हम ये काम कर सकते हैं। फोरम्स क्या होते हैं? जनरल डिस्कशन, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हुआ हूँ, आप लोग कीवर्ड एक्सपर्ट भी बन गए हैं, तो मैं आप सबसे डिस्कस करना शुरू हो जाऊंगी। जैसे मैं आप एक कमर्शियल किचन की एक वेबसाइट आई है मेरे पास, सब लोगों को जरा खोल लो, ठीक है, तो मुझे बताएं कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, तो मैं आपसे जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं फोरम्स। सो इसमें एक कुरा की वेबसाइट है, कुरा.com, ये बहुत अहम वेबसाइट है। इसको तो एज ए SEO एक्सपर्ट आपको इस पे अकाउंट होना चाहिए, वैसे आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। याहू आंसर्स को तो खैर हम इतना यूज़ नहीं करते, ये भी पुरानी बात है, उस वक्त याहू आंसर्स पहले ज़्यादा इस्तेमाल होते होते, ठीक है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा, और ये सब एक फोरम है, इसका भी एक तरीका है, हाई PR फोरम्स इन 2022 लिखें बस, तो एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास फोरम्स की। आपने कोशिश करनी है कि सारे फोरम्स को ज्वाइन करें। फोरम ज्वाइन करने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर आप सब की अपनी अपना कोई बिजनेस है, आप सब कोई बिजनेस करते हैं, सो आप एक कम्युनिटी में बैठते हैं, किसी भी एक कम्युनिटी में, प्राइवेट बात कर रहा हूँ मैं, एज ए वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप सब अपना कोई ना कोई काम रन कर रहे हो, कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहे हो। जब आप किसी कम्युनिटी में बैठोगे तो आप आती है तो किसी को नहीं कहोगे कि जनाब ये मैं कर रहा हूँ, ये मुझसे ले लो, है ना। आप क्या करेंगे? बातें करेंगे, बातें करते करते बीच में कहीं जाकर अपने बिजनेस की बात भी करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे कि डायरेक्ट आते ही बैठ जाए और सारा बंदा कहना शुरू हो जाए, हाँ जी मैं
मेरी ये शॉप है यार, ये सामान खरीदना हो तो मुझसे ले लेना करना, मतलब इस तरीके से नहीं करेंगे, जनरल गुफ्तगू के मोड में जाकर फिर आप अपने बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल यही यही फंक्शन जो है वो फोरम्स का भी है। फोरम में हम जाके करते क्या हैं, जनरल डिस्कशन करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और फिर इसी सारी कन्वर्सेशन के दौरान अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स शेयर करते हैं। और जो फोरम वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल फोरम वर्ल्ड वाइड है। और फिर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे हम एजुकेशन के टॉपिक पे कोई बात कर रहे हैं, और हमारी भी वेबसाइट जो है वो एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एजुकेशन के ऊपर मैं कुछ बता रहा हूँ बहुत अच्छा, और बाकी कुछ चीजें मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखी हुई हैं। और एक और चीज याद रखेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर एक टैब तो लाजमी होना चाहिए। कौन सा वाला? देखिए, अगर आपकी वेबसाइट चाहती है रैंक रहे और होती रहे, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर फ्रीक्वेंटली डाटा आना चाहिए। तो क्या कौन सा टैब होना चाहिए? यस, गैस करें, फोरम, और कोई गैस करें? नहीं, फोरम तो एक पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म ही फोरम बन जाता है ना। एक टैब होना चाहिए कि फ्रीक्वेंटली मैं अपडेट कर रहा हूं। हम अपडेट, किसी ने हमें क्यों अपडेट करके हमारी वेबसाइट को कैसे फायदा पहुंचेगा? आप इधर से भी आवाज आई थी अपडेट की टैब, आप इधर से एक आवाज आई थी, कुछ करीब करीब थी, कॉन्टैक्ट, अच्छा ये कहा था, आर्टिकल्स। एक टैब बनाए आर्टिकल्स का। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी एक वेबसाइट है एजुकेशनल, ठीक है, सो मेरे सारे टैब्स मेरी वेबसाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यार आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाए ना। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आप दोनों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, आप दोनों से, ठीक है, आप में से एक स्टूडेंट आगे आ जाएगा तो मुझे आसानी हो जाएगी। इधर ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कहीं भी बैठ जाओ। हाँ जी, तो अगर आप अपनी वेबसाइट में एक आर्टिकल्स का टैब रखें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी एक वेबसाइट है जो एजुकेशनल है। अब एजुकेशन, मेरी जो वेबसाइट के सारे टैब हैं वो मेरे बिजनेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन एक टैब मैंने बना लिया आर्टिकल्स का, जिसमें मैं एजुकेशन के ऊपर आर्टिकल्स लिखता हूँ, रूटीन में आर्टिकल्स लिखता हूँ। कभी मैट्रिक के ऊपर कोई आर्टिकल लिख देता हूँ, मैट्रिक की क्लासेस पर, कभी FSC पर, कभी ICS पर, कभी ये बता देता हूँ कि जनाब मेरिट्स क्या चलने लगे हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अब क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली डाटा आ रहा है मेरी वेबसाइट पर? जो दूसरी एजुकेशनल वेबसाइट होगी, मुझे ट्रैफिक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सबसे पहले तो ये बताएं, मिलेगी ना। कौन कौन से कंप्यूटर कॉलेजेस हैं लाहौर में भाई, किसी ने ग्राफिक्स करना हो तो कौन सा अच्छा कॉलेज है भाई, UET में एडमिशन लेना है तो उनका पिछले साल का मेरिट क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी को अगर एक ही जगह पे मिल रही होगी तो क्या होगा, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाएगी। सो ये आर्टिकल का टैब तो आप जब भी बनाएं अपनी वेबसाइट, और ये मैंने अभी एजुकेशन की बात की है सिर्फ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मेरी एक वेबसाइट है जो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सेल करती है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो बेकरी के अंदर मशीन्स लगी होती हैं, जो रेस्टोरेंट्स के अंदर, जैसे पिज़्ज़ा खाने चले जाएं किसी रेस्टोरेंट में, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है, पिज़्ज़ा मशीन्स लगी हुई हैं, बेकरी इक्विपमेंट हैं, बेकरी काउंटर हैं, आइसक्रीम मशीन है, कॉफ़ी मशीन है, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर भी मैंने एक आर्टिकल का टैब बना लिया। अब क्या फ़ायदा होगा, मतलब अब क्या होगा कि मैं उसके अंदर अपडेट्स देता रहूँगा, कॉफ़ी मशीन्स के मतलब कुछ चीज़ें बताऊँगा, पिज़्ज़ा ओवन मैं बेच रहा हूँ तो पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपीज आ रही हैं उसके अंदर, ठीक है। अब जब पिज़्ज़ा रेसिपी आ रही है तो पिज़्ज़ा रेसिपी भी चल रही है, साथ साथ मेरी मशीन की तस्वीरें भी आ रही हैं, साथ साथ लिंक्स भी आ रहे हैं जो उस आर्टिकल के पेज से वापस मेरे पेज पर आ रहे हैं, तो ट्रैफिक आ रही है। सो मतलब हमें ट्रैफिक लाने के लिए ये आर्टिकल का जो एक टैब है, ये एक स्टैंडर्ड टैब है, लेकिन बनेगा कैसे, आपकी निश के हिसाब से बनेगा, यानी आपकी जो वेबसाइट की इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपका आर्टिकल होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इस तरह की वेबसाइट पे एजुकेशनल आर्टिकल हो, ठीक है, इसकी वेबसाइट पे एजुकेशनल नहीं होगा। इसी तरह जो रेसिपी होगी वो स्टार्स एकेडमी की वेबसाइट पे रेसिपी भी नहीं होगी, यानी कि आपने देखना कि जिस इंटरेस्ट की वेबसाइट है उसी तरह का उस पर मटीरियल लिखना है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक लेकर आती है। लुक एट thesaurus.com, ये एक वेबसाइट का नाम है, वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है thesaurus, हाँ thesaurus.com, वर्ड यूज किया हुआ है, स्पेलिंग चेक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना, Shift F7 करें तो उसका thesaurus खुल जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक टर्म लिखा स्ट्रगल, और उसके ऊपर मैंने Shift F7 प्रेस किया तो नीचे 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स और आ जाएंगे,
जो कि उससे के हम मानी अल्फाज होंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसे अल्फाज को देखना है, देखें एक ही वर्ड को मैं कहता हूँ कि कीवर्ड्स। तो जब मैं कीवर्ड की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई 2.5% से लेकर कितना होना चाहिए, 3%, ठीक है ना, 2.5% से लेकर 3%। छोड़ दो, नहीं तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5% से ज्यादा अल्फाज तो नहीं लिख सकते ना। अगर इससे ज्यादा अल्फाज लिखेंगे तो ब्लैक हैट हो जाएगी, ब्लैक हैट एसईओ में तो नहीं जाना ना हमने। तो अब क्या करेंगे, अब हम मानी अल्फाज की तरफ जाएंगे, अब उन अल्फाज की तरफ जाएंगे कि जो कीवर्ड एग्जैक्टली कीवर्ड नहीं है लेकिन इन मीनिंग कीवर्ड ही हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ कि कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, ओके, और अगर मैं दूसरे लिखूँ एक्सेल कोर्स इन लाहौर, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अब कीवर्ड यूज नहीं किया, स्टफिंग भी नहीं होगी कीवर्ड, जो कीवर्ड बहुत ज्यादा रिपीट होता है इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। अब कीवर्ड स्टफ भी नहीं होगा और मेरा मैसेज भी जा रहा है। फिर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये भी मेरा कीवर्ड नहीं है, मेन कीवर्ड नहीं है, उसकी बात करो। सो हम उसी के मीनिंग, मतलब मीनिंग में वो हमारा कीवर्ड का मीनिंग दे रहा हो, ठीक है, इन लॉन्ग रन, और वो कीवर्ड भी ना हो, क्योंकि उसने ये कहा कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भी 500 वर्ड्स हैं, तो 500 वर्ड्स का 2% निकाल लो, जितना भी निकल रहा है, सपोज कर लेता हूँ कि मैं 15 वर्ड्स निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है 20 वर्ड्स तो मैं कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकता, उसने तो कहा 15 ही यूज़ करने हैं अगर आपके 500 वर्ड्स हैं। अगर मुझे 20 वर्ड्स में जाना है तो मुझे क्या करना है, कंटेंट को फिर बड़ा करूँगा, यानी कि मैं ये 20 वर्ड्स के लिए ये देखना है कि मुझे कितना लिखूँ तो उसका 2% जो है वो 20% हो, कंटेंट बढ़ा रहा हूँ। कंटेंट कितना होना चाहिए, एसईओ की बात बता रहा हूँ कि भाई कंटेंट आपका मिनिमम 500-600 वर्ड से लेकर 1500 वर्ड तक होने चाहिए, इतना कंटेंट आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ नजर आना चाहिए और डुप्लीकेट एक सेंटेंस भी नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा यूनिक कंटेंट होगा ना, एसईओ में कहते हैं जी कि कंटेंट इज द किंग, यानी कि अगर हम कहें ना पूरी वेबसाइट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ की है, तो वो आपके कंटेंट की प्रायोरिटी है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, और उसके लिए ये भी कोई शर्त नहीं है कि इंग्लिश बहुत हाई फाई हो, गलत इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक इंग्लीश हो, आसान इंग्लिश हो, बल्कि कीवर्ड है वेबसाइट के कंटेंट में, ये हमने स्ट्रॉन्ग करके लिखे हैं आपके जो जी बिल्कुल। अब आप देखें आपने कीवर्ड्स को कोशिश क्या करनी है कि बॉडी में जब आप अपने कीवर्ड्स को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो जो टैग मैंने आपको स्पेशली पढ़ाए हैं, मैंने आपको हेडिंग स्टाइल पढ़ाया, तो हमें कोशिश करनी है कि जो 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं अगर मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ तो इन्हें सिर्फ कीवर्ड के लिए यूज़ करूँ, ये ना हो कि मैं हेडिंग 1 यूज़ करूँ और उसमें लिखा हो वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने H1 को ज़ाया कर दिया। इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग का टैब है और जो बोल्ड का टैग है, स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग, तो जैसे आप मार्कर के साथ थोड़ा सा बोल्ड करते हो, मगर अगर हम ये देखें कि हेडिंग स्टाइल भी बोल्ड होता है कि नहीं होता, हेडिंग स्टाइल भी तो बोल्ड ही दिख रहा होता है, लेकिन जब हम पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो उसको हेडिंग नहीं लगानी है, हेडिंग पैराग्राफ से शुरू में लगानी है। जब मैंने एक 5 लाइनों का या 4 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखा है और उसमें मेरे कीवर्ड्स हैं और वो मैं उसको देख रहा हूँ कि भाई इसको मैंने 2% कीवर्ड को यूज़ करना है, तो जहाँ मैं कीवर्ड लिखूंगा मैं उसे बोल्ड कर दूँगा। समझ आ गई बात की? आपने लिंक्स भी बनानी है उस, और आपने जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है उसका जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है उसमें भी कीवर्ड यूज करना है। ये मैंने आपको बताया था कि उसमें भी कीवर्ड यूज करना है। ऑल्ट की कितनी होनी चाहिए वाला टेक्स्ट लेंथ? हाँ जी, ऑल्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? कुछ याद है? मैंने इमेज में ऑल्ट का एट्रीब्यूट कराया था, आपको नहीं कराया था, आप का शिकवा तो ये रहेगा। 170 और कोई बताए? 170 हमने उसका किया था डिस्क्रिप्शन का। 500 ना करो जुल्म यार, कैप पहन के इतना जुल्म कर रहे हो। 120 करेक्टर्स। अगर आपने इमेज का आर्ट एट्रीब्यूट लिखना है तो आपने कितना लिखना है? 120 करेक्टर्स में आपने इमेज का आर्ट एट्रीब्यूट लिखना होता है, ठीक है। और इस आर्ट में हमें कीवर्ड यूज करना है। देखे ना, एक तस्वीर जो है, गूगल ने तस्वीर को तो ऑप्टिमाइज नहीं करना, गूगल के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके साथ वो, आप देखें मैंने जो साइट मैप बनाया आपका,
देखा ना, अभी एक दिन पहले हम लोगों ने साइट मैप क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि गूगल को ग्राफिक्स समझ में नहीं आ रहे हैं। क्राउलर को आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है कोड की सूरत में देनी है, यानी टेक्स्ट की सूरत में देनी है। हम इमेज को भी उसको कोड दे रहे हैं, हम कह रहे हैं ये तस्वीर है लेकिन ये इसका कोड है, और कोड में हम क्या लिख रहे हैं, कोड के आल्ट एट्रीब्यूट में हम कीवर्ड लिखने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये जो वेबसाइट है इसमें टैग भी तो लगते हैं। किसमें? जैसे YouTube में हम टैग नीचे टैग लगाते हैं, वेबसाइट के भी तो होते हैं। नहीं, वो आप वर्डप्रेस में कह रहे हो, उसमें उन्होंने टैग का एक ऑप्शन दिया होता है, लेकिन बेसिकली वेबसाइट के टैग नहीं होते हैं, वेबसाइट के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, वेबसाइट के कीवर्ड्स होंगे। अब वो ये कहना चाह रहा है कि या बेसिकली वो वहां पर कीवर्ड कोई टैग बना रहा होता है, ठीक है, लेकिन असल में जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं हमारे। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, टैग का ऑप्शन आ रहा है कि भाई यहाँ पर अपने टैग क्या है, आपके किस चीज के साथ टैग करना चाहते हो, तो आपने वहां पर अपने कीवर्ड्स को यूज करना है। और जब आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ भाई एक कीवर्ड है मेन, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड, तो वर्डप्रेस में जाकर कहते हैं फोकस कीवर्ड। ठीक है, वर्डप्रेस में जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो क्या कहलाएगा, फोकस कीवर्ड कहलाता है। चलें जी आगे आ जाए, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, KEI कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, अब ये एक पुराने मॉडल का फॉर्मूला है, अभी इसको मैं नए मॉडल के फॉर्मूले के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब वो क्या कहता है, कहता है द हायर द KEI बेटर कीवर्ड। कहता है ये वाली वैल्यू जो है KEI की, जो वैल्यू है जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, मतलब आपने 10 कीवर्ड लिखे, ठीक है, उन 10 में से 5 रैंकिंग इस तरह हो रही है कि एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, फिर एक उससे छोटा नंबर, एक उससे छोटा नंबर, एक उससे छोटा नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका नंबर सबसे बड़ा है वो वाला अच्छा कीवर्ड है। यानी कि ये एक फैक्टर है कीवर्ड रिसर्च का, ये एक फैक्टर है, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, मैंने कहा ये एक फैक्टर है, एक फैक्टर वो भी है कि भैया हमने कंपटीटर्स की वेबसाइट पे जाके कीवर्ड्स को भी देखना है। ठीक है ना, अच्छा अब ये क्या फैक्टर है, कहता है नंबर ऑफ सर्चेस और नंबर ऑफ रिजल्ट्स। सर्चेस को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स कहां नजर आ रहे हैं आपको, रिजल्ट्स तो आपको गूगल पे नजर आ जाते हैं, आते हैं ना, कोई भी चीज सर्च करते हैं रिजल्ट आ जाते हैं। कीवर्ड प्लानर में जाएंगे और कीवर्ड लिखेंगे तो वो आपको सर्चेस दिखाएगा, तो हम क्या करेंगे, सर्चेस को डिवाइड कर देंगे। मेरी बात समझ में आई है, मैंने कहा कि गूगल के कीवर्ड प्लानर में जाना है, वहां पे जाकर कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जब बटन दबाएंगे तो कहेगा हाँ भाई कौन सा कीवर्ड सर्च टर्म है, उसे लिखूंगा, नीचे एक लिस्ट आ जाएगी जिसको मैं कीवर्ड समझ रहा हूँ, मैं देखूंगा हाँ भाई इसकी कितनी है, 2000 है, तो बस 2000 की वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, खामोशी। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कीवर्ड है MDCAT प्रिपरेशन। ठीक, मैं कीवर्ड प्लानर में गया, वहां जाकर मैंने लिखा MDCAT प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल उसने कह दिया भाई MDCAT की जो सर्चिज हैं वो हैं, सपोज कर रहा हूं मैं 1800, उसके बाद मैं गूगल पे आ गया, सर्प पे आ गया वापस, सर्प समझ रहे ना, सिरप को कहते हैं ना, तो सर्प पे आ गया वापस, और सर्प पे आकर भी आपने यही टर्म लिखी MDCAT प्रिपरेशन, उसने क्या दिखाया रिजल्ट, प्लैनर में क्या नजर आया था, तो यहां क्या नजर आ गए, रिजल्ट। आपने सर्चिज को डिवाइड कर देना है रिजल्ट के साथ, एक नंबर आ गया। अब यही काम आप रिपीट करते जाएंगे अपने मुख्तलिफ सर्च टर्म्स के साथ, एक्सेल में फाइल बनती जा रही है, 20, 50, 100, एक फार्मूला भी लग गया एक साइड पर, ऑटोमेटिकली एक वैल्यू आनी शुरू हो गई है। ये वैल्यू कैसे आ रही है, किस चीज को, क्या फार्मूला है, सर्चेज डिवाइडेड बाई रिजल्ट, सर्चेज को रिजल्ट से आप डिवाइड कर रहे हो, एक नंबर आना शुरू हो चुका हुआ है, एक बड़ा नंबर है, एक छोटा 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 होता जा रहा है ना, जो बड़ी नंबर है उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया, समझ आ गई बात की, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कीवर्ड प्लानर होना चाहिए। मैं क्या इस काम के हौसला, वो हिंदी में कहते हैं ना आत्मविश्वास कहते हैं उसको, है ना, वो रखें वीजा उतर जाते हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें, कॉन्सेप्ट लेके ना उस तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं क्या कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ते हैं ना, अच्छा जी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें क्या खोलना है साथ, कीवर्ड प्लानर खोलना है। तो अगर आपके पास कीवर्ड प्लानर का एक्सेस नहीं होगा फिर तो नहीं होगा, कीवर्ड प्लानर का एक्सेस नहीं है फिर इसका मतलब है कि आप कंट्रोल से ये काम नहीं कर सकते। कीवर्ड प्लानर का एक्सेस आपके पास होना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स के पास ना हो ठीक है वो लोग मुझे अपने ईमेल्स भेजिएगा, मैं उन्हें फिर
एक्सेस दूंगा तो उन्हीं के जीमेल के साथ गूगल ऐड खुल जाएगा, मेरा गूगल ऐड अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ये आएगा, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ कि कैसे आएगा। मैं बता दूँ ये थ्योरी भी साथ इकट्ठी ख़त्म होना, बीच में ना रहे, क्योंकि थ्योरी नहीं है बेसिकली, तो फॉर्मूले ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। अब वो क्या कहता है, लेटेस्ट मॉडल क्या है इसका, जो इससे आसान तरीका क्या है, कहता है आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में भी नहीं जाने की ज़रूरत, ठीक है, लेकिन ज़रूर जाना है हमें, अगर हमारे पास एक्सेस हो, हमें सही वर्किंग करनी है तो उसमें भी जाना है। कहता है इसका एक तरीका ये है कि आप यूँ करेंगे, हम सपोज ये करते हैं, मैं बार बार ये कहता भी हूँ कि भाई टाइटल में भी कीवर्ड होता है और डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड होता है, कहा है ना मैंने आपको कि वेबसाइट का जो टाइटल, दोनों चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं, हेड में मौजूद है, तो दोनों में कीवर्ड मौजूद है। तो कहता है आप यूँ करो कि ऐसी वेबसाइट चेक कर लो कि भाई क्या ये वाला कीवर्ड कितनी वेबसाइट्स हैं जिनके टाइटल पर मौजूद है और कितनी वेबसाइट्स हैं जिनके डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। अब सेकेंडरी कीवर्ड जो होते हैं वो तो टाइटल पे नहीं होंगे, टाइटल में तो सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड होगा, वो टाइटल इतना बड़ा है ही नहीं है, 60-70 कैरेक्टर्स का टाइटल है तो उसमें कितने कीवर्ड्स आ जाएंगे आपके, और 160 से 170 का डिस्क्रिप्शन है आपकी, उसमें तो कीवर्ड्स हम लिख सकते हैं सेंटेंस की सूरत में, ठीक है। तो कहता है दूसरा तरीका ये है, ये कैसे करना है हमने, सो हम एक काम करते हैं, पहले कीवर्ड प्लानर खोल लेते हैं, या मैंने शायद गूगल ऐड खोला भी हुआ था, ये गूगल ऐड खोलना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, गूगल पे जाएं, ठीक है ना, गूगल ऐड्स पे आ जाएं, एड अकाउंट खुल जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये एक लिखवा रहा है टूल्स, यहाँ से आएंगे हम टूल्स पे, राइट साइड पे बिल्कुल प्लानिंग आ रहा है और प्लानिंग के साथ कीवर्ड प्लानर आ रहा है, ले जी आगे खुल रहा है, आ गया डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे आए जी पहले क्या कहता है, कहता है अपनी प्रोडक्ट लिख दे, जो मैंने भी बात की थी, फिलहाल मैं उसी की बात करता हूँ, एमडी कैट। अब ये जब आपके पास आ जाएगा तो इसके एक्सेस आपके पास है, इसकी आपने अच्छी सी प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है, जब मैं इसका एक्सेस दूंगा आप इस जगह पे आ जाएंगे जी। गेट रिजल्ट्स, आ गए हैं, देखें रिजल्ट आ गए, ओके। इस वक्त आप सिर्फ इस वक्त देखें एवरेज मंथली सर्चेस को, बस सर्चेस आ रही है ये हमारे पास, चलो फिलहाल हम एक काम करते हैं, क्या लिखे, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, 1000 कह रहा है ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, एक काम करते हैं, 1000 कह रहा था ना, तो अब क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे हम, ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, उधर भी ये लिखा हुआ था, एनएमडी कैट लिखा था वहां पे, है ना, बल्कि एम कैट लिखा गया, ये तो यहां पर मैं कर लेता हूं, एनएमडी कैट प्रिपरेशन, चलो जी ठीक है, आगे वैल्यू एक 229000, क्या करूंगा, उधर सर्चिज आई थी 1000, उसको डिवाइड कर दूंगा इसके साथ, ये एक रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा एक्सेल में, एक्सेल में जाके फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या लिखूंगा, सर्चेस रिजल्ट्स, पहले नंबर पे क्या कॉलम बना होगा, कीवर्ड का, ठीक है ना, पहले मैं इसको कीवर्ड बना रहा हूँ ना, मैं समझूंगा ये कीवर्ड है, पहले पे मैं बनाऊंगा कीवर्ड, दूसरे पे क्या बनाऊंगा सर्चेस, तीसरे पे क्या बनाऊंगा रिजल्ट्स, चौथे पे फॉर्मूला लगा दूंगा सर्चेस डिवाइडेड बाई रिजल्ट्स, ऐसे ही है ना, और फॉर्मूले का कर दूंगा कॉपी मैंने जी, हाँ जी वैल्यू तो लिखी गई ना उधर, फार्मूला लग गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद शुरू कर दूंगा काम, जितने कीवर्ड्स हैं इस तरह लिखता जाऊंगा, फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, खुद ब खुद मुझे पता लग जाएगा भाई ये 100 लिखे थे मैंने, इनमें से हायर वैल्यू कौन सी है, तो उनको मैं हाईलाइट कर लूंगा भाई ये मेरे बेहतर वर्ड्स हैं, ठीक है, एक फैक्टर मैंने कहा, एक फैक्टर ही हो गया। अब आ जाए दूसरे फैक्टर पर, कह रहा था दूसरा, कह रहा था कि एक काम करो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर लिखें, क्या लिखा मैंने, हाँ जी ऑल इन टाइटल, क्या कह रहे जी, यहां देखिए आकर क्या कह रहा है, वो दिख रहा है ना, मैं क्या सबको नजर आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, ऑल इन टाइटल और डबल कोटेशन के अंदर अपना कीवर्ड लगा दो, ऐसी वेबसाइट्स जिनके टाइटल में ये इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उनका प्राइमरी कीवर्ड है ये, ठीक है, तो आप क्या करें यहां पर आए, ऑल इन टाइटल कॉलन, ये कॉलन का निशान लगाना है आपने, और वही लिखूंगा मैं,
ऑनलाइन, एनएमडी कैट, प्रिपरेशन। जी जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके भी एनालिसिस साथ शुरू कर दूंगा। मैंने कहा इसके भी साथ में एनालिसिस शुरू कर दूंगा। एक काम करें जरा, ऑनलाइन एन हटा देता हूं जरा। अब मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा। मैं कहा इसके लिए मुझे वो फार्मूले वाले एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने वेबसाइट फाइंड कर ली है। आगे क्या लिखा हुआ है जी देखें, अब 20 रिजल्ट आ गए। और फिर मैं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए मैंने तीन वर्ड्स को कंपेयर किया। पहले लिखा था ऑनलाइन एनएमडी कैट, फिर मैंने लिखा ऑनलाइन एमडी कैट। पहले में कितना आए थे बोला, पहले में 5 आए थे, फिर अब मैंने लिखा ऑनलाइन एंटी ट्रस्ट प्रिपरेशन, यानी कि तीन कीवर्ड आप समझ लीजिए मैंने बनाए हैं। और फिर मैंने इस पर एंटर किया। इस तरह बार बार अगर आप करोगे तो ये लाजमी बात है आपसे पूछेगा कि भाई क्या कर रहे हैं आप, हाँ कोई रिपोर्ट तो नहीं आ गया हमारे सॉफ्टवेयर में, तो ये वेरीफाई करेंगे तो दोबारा से रिजल्ट आ जाएंगे। 341। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऐसी वेबसाइट्स की तादाद ज्यादा है और इसमें कंपटीशन भी कम है, ज्यादा हो गया ना, कंपटीशन ज्यादा हो गया ना। ठीक है, पांच वाली में कम था लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक था, वो ज्यादा ही स्पेसिफिक था ना, ऑनलाइन एनएमडी कैट। लेकिन अब ये भी चीज हमें देखनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कंसिडर करूंगा इसको भी और मैं उसको भी कंसीडर करूंगा, क्योंकि बेशक काम है लेकिन है तो सही ना। और एमडी कैट को तो लाजमी करूंगा, वो 20 है ना रिजल्ट्स, yes. उसको भी करूंगा, इसको मैं लाजमी करूंगा, इसमें 340 आने लगे हमें। ठीक है, समझ आ गई बात की। yes. चलिए अब आ जाए। हाँ जी, अंदाजा हो गया yes. कि कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज करना है हमने, गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज करना है। और ये अब हम डायरेक्ट किया। अब दूसरा तरीका वो क्या कह रहा था, कहता है एक काम करें और वो क्या करें, ये क्या लिखा हुआ है ऑल इन टाइटल। जब मैं डिस्क्रिप्शन की बात करता हूं तो मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स ये समझते होंगे कि जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ होता है पेज, वेबसाइट का जो पेज है वो डिस्क्रिप्शन है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन नहीं कह रहा हूं। मैं किसको कह रहा हूं, मेटा टाइप इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, यानी कि मेटा टैग की बात कर रहे हैं हम। जो मेटा टैग है ना डिस्क्रिप्शन वाला, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो कहां पे होता है, हेड में होता है। और उसकी लेंथ कितनी होती है, 160 से लेकर 170 तक लेंथ है। यानी उसका मतलब क्या है, कहता है कि टाइटल में आपने अपना कीवर्ड लिख दिया, अब आपने डिस्क्रिप्शन, नाम से अंदाजा हो रहा है कि डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में अपने कीवर्ड्स को लिख दो, यानी कि एक सेंटेंस की सूरत में, एक या एक से ज्यादा सेंटेंस की सूरत में आपने अपने कीवर्ड्स को बताना है। और अब आप प्राइमरी कीवर्ड भी बता सकते हो और सेकेंडरी कीवर्ड को हम टर्शियरी कीवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जस्ट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसका इन राइटिंग कोई काम नहीं है हमारे से। मतलब एक सेकेंडरी कीवर्ड होता है और एक इसी का एक और नाम है, उसे हम बोलते हैं टर्शियरी कीवर्ड। ठीक है, वो भी सेकेंडरी को ही कह रहे होते हैं जो प्राइमरी नहीं है। अच्छा, अब यहां हम लिखेंगे ऑल इन, जी क्या लिखा मैंने यहां पे, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब इसका क्या मतलब है कि अब ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढेगा जिनकी डिस्क्रिप्शन में भी ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ। अब मैंने टाइटल को पहले ढूंढा, हमने कहा भाई टाइटल में है, अब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करूंगा कि भाई टाइटल में भी था ये और डिस्क्रिप्शन में भी है। और क्या कंपैरिजन क्या है कि टाइटल में कितनी दफा आया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में कितनी, इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि किसी ने इसको प्राइमरी लिया हुआ है कि सेकेंडरी लिया हुआ है। क्या ख्याल है, ठीक है ना, ये पता लग जाएगा ना हमें। चलो जी इधर आए, आ गया रिजल्ट, अबाउट 8 रिजल्ट। अब वो क्या कह रहा है कि इसको, वैसे इसने 300 समथिंग दिखाया था हमें, yes, है ना, लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है कि इतने लोगों ने इसको डिस्क्रिप्शन में यूज किया हुआ है। सो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि उन्होंने इसको सेकेंडरी के तौर पर भी यूज किया हो कई लोगों ने, और कई लोगों ने इसको टाइटल में यूज किया हो लेकिन डिस्क्रिप्शन में यूज ना किया हो। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूं कि अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं मुझे वेबसाइट एक रैंक करनी है। मैं यहां लिखा, अब ये अगला जो था स्टाइल कमर्शियल किचन इक्विपमेंट लिख दिया मैंने, ये वेबसाइट आ गई कमर्शियल किचन इक्विपमेंट की, इस पर क्लिक कर देते हैं जी, ऊपर ये आ रही है तो मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे इधर से इसको देखना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसने अपना मेन कीवर्ड क्या रखा हुआ है, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, प्राइमरी कीवर्ड तो इसका वही चल रहा है। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है एम्बेसिडर और कमर्शियल किचन इक्विपमेंट।
अच्छा उसके बाद नीचे आए, ये सारा पिक्टोरियल इसने वेबसाइट बनाई हुई अपने, हैं वो भी लोड नहीं हो रही क्या पता नहीं हमारे इस। सारी तस्वीरें सी वेबसाइट है हाँ। अच्छा इसका जरा वो कोड देख लेते हैं हाँ, ये उसकी बनी हुई वेबसाइट है वर्डप्रेस की है। जी ये देखें जरा आ गया इसका कोड, ये टाइटल आ रहा है इसका, ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, आप देख रहे हैं इसने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। अगर डिस्क्रिप्शन से फील हो रहा है ना आपको, अंदाजा हो रहा है कि इसने कौन से कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। तो इसकी अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब कंपेटिटर वेबसाइट का एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब ये दूसरा एक और फेज में आ गया हूँ जिसमें मैं कंपेटिटर वेबसाइट्स का एनालिसिस कर रहा हूँ। एक में मैंने कीवर्ड प्लानर को यूज किया, एक में मैंने इन टाइटल और इन डिस्क्रिप्शन को यूज किया। आ जाए जरा वापस इधर, ये फाइल कुछ बची हुई है, ये दूसरी चीज क्या थी है? ये तो हो गया ऑल इन टाइटल, ज्यादा बड़ा हो गया हुआ, छोटा कर दो जी। गूगल कीवर्ड प्लानर ये तो हो गया अभी, ये देखें पुराना है ना ये सारा, देखें फील हो रहा है लिंक से आपको कि पुराना लिंक है, ये एडवर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अब एडवर्ड से ये एरर पेज ही आएगा अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो, ठीक है पेज नहीं खुलेगा ये वाला। उसके बाद आपने कहाँ पर जाना है, कीवर्ड ट्रेंड पे, अब इस पे आपने खुद जाना है। कीवर्ड ट्रेंड्स का क्या मतलब होता है, कीवर्ड ट्रेंड्स का मतलब ये है कि आपके रीसेंट कीवर्ड्स कौन से चल रहे हैं, आपका ट्रेंड किसका चल रहा है। सो इसका मतलब है आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये रीसेंट है, ये चार महीनों के बाद होगा कि नहीं, इसकी रिसर्च आपको साथ साथ रखनी है कि आजकल कौन सा कीवर्ड ट्रेंडिंग हुआ है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से देखना, ये बड़ी काम की चीज़ है और ये ऐसे ही खुल जाएगा, डायरेक्ट खुल जाएगा ये, ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं आएगा। सर्च सजेस्ट ये भी आपने देख लिया, अभी सजेस्ट करेगा आपको खुद से, ये नीचे आ रहा है जो भी आपको मैंने गूगल में जाकर दिखाया था, यहाँ इसको भी देखा था हमने। अच्छा उसके बाद ये क्या चीज आ रही है जी, पीपीसी पेपर क्लिक यानी गूगल एड्स। तो कहते हैं आप अगर एड्स चला रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं किसी की वेबसाइट पे भी काम करूं और मैं उसके एड्स भी चला रहा हूं, तो कहते हैं आप एड्स में जाकर भी आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर इंप्रेशंस के साथ ज्यादा क्लिक्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इस वक्त हॉट कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूं कि इनका एक कीवर्ड है, जैसे मैं एक सोफा वालों का एड चलाता हूं, तो मैं कहता हूं भाई उसका एक कीवर्ड है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। तो मैं इसके जब एनालिसिस करता हूं पिछले 3 महीनों के, तो मुझे फील होता है कि इसके ऊपर क्लिक्स बहुत ज्यादा हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पता था, ये देखिए जो ढूंढ रहा है वो ये तो नहीं कह रहा कि मुझे पेड एड देखना है, वो तो कह रहा है मुझे ये प्रोडक्ट देखनी है। तो कहता है यहां से भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये वाला एनालिसिस तो सिर्फ वही करेगा ना जो एड चला रहा होगा, जो बंदा एड नहीं चला रहा वो ये एनालिसिस नहीं करेगा। और गूगल कीवर्ड प्लानर में अभी हमने देखा था ना मंथली सर्चेज आ रही थी, अगर मैं कॉलम को राइट साइड पर आगे लेकर जाता तो वहां पर पैसे भी आते। पैसों का क्या मतलब है कि ये बताता है कि अगर आप इस कीवर्ड का गूगल ऐड चलाएंगे तो आपको कितने में पड़ेगा एवरेज, ये कोई 100% बात नहीं होती, एज एन एवरेज बताता है कि इसका एक क्लिक आपको 40 रुपये का पड़ेगा, 100 रुपये का पड़ेगा, 200 रुपये का पड़ेगा, कितने का पड़ेगा। लेकिन जब हम गूगल एड्स पे जाते हैं तो की चार्जेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर, हमारे एक्शन के ऊपर, कि क्या हम उसे वेबसाइट पे लेकर जा रहे हैं तो सस्ती एड बन रही होती है। अगर मैं उसे कहता हूँ ना भाई कॉल एड बनाता है मैंने, कि कोई भी बंदा मेरा एड देखे बटन दबाए तो सीधा मुझे फ़ोन आ जाए, तो ये वाला रिस्पॉन्सिव एड होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एड होता है, फ़ौरन आपको कॉल आ गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बिजनेस इंगेज कर पाते हैं कि नहीं इंगेज कर पाते, लेकिन ये एक्सपेंसिव एड होता है। मतलब मैं जिनके गूगल एड चलाता हूँ मैं ज़्यादातर कॉल टू एक्शन पर चलाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वेबसाइट पर आते हैं घूम फिर के वापस चले जाते हैं, वो जैसे कि वापस जाना है ना उसको हम बोलते हैं बाउंस रेट, ठीक है। बाउंस रेट आपकी वेबसाइट का कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अटेंडेंस लगा दें,